एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एट एनसीईआरटी से चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता दूं कि हिस्ट्री में डेट्स और पीरियड्स का कितना बड़ा रोल है। हिस्ट्री में जब भी हम बात करते हैं तो उनको डेट्स और पीरियड से पता लगाया जाता है कि भाई ये हिस्ट्री है और ये इस टाइम के बारे में बात की जा रही है, तो उससे हमको हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो जो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे उसमें डेट्स और पीरियड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे, तो हिस्ट्री कैसे चलती है वो देखेंगे। साथ ही साथ हम वॉर की बात करने वाले हैं। तो अभी जो वॉर चल रहा है वो है ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में। तो जर्मन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में 1914 में कौन सा वॉर हुआ था आपको पता है? आप बिल्कुल जानते हैं, 1914 में वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है। वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब की एक स्टोरी है जिसमें ब्रिटिश और जर्मन जो है वो ये डिस्कस करते हैं, ये बताते हैं कि हमें क्रिसमस जो है, बिकॉज लड़ाई अपनी जगह है बट क्रिसमस को मनाना अपनी जगह है, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम क्रिसमस को अच्छे से मिलके मनाए। तो दोनों ही तरह के जो लोग हैं, ब्रिटिशर्स और जर्मन्स, दोनों मान जाते हैं और वो एक अच्छा और सुखद जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उसकी एक स्टोरी है। तो चलिए हम इस पूरी स्टोरी से पहले इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैरेक्टर में सबसे पहले कैरेक्टर है हमारा ऑथर। तो ऑथर को आपको समझ में आ गया होगा, ऑथर जो इसको लिखने वाले हैं उसी के ऊपर पूरी स्टोरी है, ये ऑथर ही पूरी स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जिम मैकफर्सन जो है वो है ब्रिटिश आर्मी जो है उसमें एक लीडर है, एक ट्रुप के लीडर है। और वहीं ऐसा बताया गया है कि ब्रिटिश लीडर होने से पहले, मतलब अभी जो है वो आर्मी में है, अभी वॉर है तो इसलिए वो लीडर है, उससे पहले जब तक वो इस आर्मी में नहीं थे उससे पहले वो टीचर थे डॉर्सेट एक जगह का नाम है इंग्लैंड में है जो, तो उन्होंने बोला कि उससे पहले वो एक स्कूल में टीचर थे। वहीं दूसरी जो कैरेक्टर है, सॉरी जो तीसरे कैरेक्टर है वो है कॉनी मैकफर्सन जो है वो लविंग वाइफ ऑफ जिम की वाइफ है और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। साथ ही साथ ये भी छोटी सी चीज में बताई गई कि इनका घर भी कई बार जल चुका होता है, स्टिल वो लेडी जो है बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होती है, वो हमेशा खुश रहती है। तो ये एक सेकंड कंटेंट पे देखा जाता है कॉनी मैकफर्सन, और इन दोनों का एक छोटा सा कंटेंट दिया गया है कि दोनों आपस में कैसे कन्वर्सेशन करते हैं वो दिखाया गया है। साथ ही साथ एक और हैंस वुल्फ जो है वो जर्मन कैप्टन है। अभी जो जर्मन की जो आर्मी है, जर्मन आर्मी जो है उस आर्मी में वो क्या है, कैप्टन है। और कैप्टन बनने से पहले, मतलब उन्होंने भी इस आर्मी को ज्वाइन करने से पहले वो क्या थे, तो उससे पहले वो म्यूजिशियन थे, ऑर्केस्ट्रा में वर्क करते थे, ऑर्केस्ट्रा था उनका अपना एक कंसेप्ट तो उसमें वो वर्क करते थे। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो बहुत फ्रेंडली होते हैं और वो आपस में किस तरह से जैसे फ्रेंडली नेचर को इम्प्रूव करते हैं, कैसे वो ब्रिटिशर्स और जर्मन जो है वो आपस में क्रिसमस ईव के साथ साथ वो मिक्सअप हो जाते हैं, कैसे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and ork. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawers, and the veneer had lifted almost everywhere. स्टोरी जब शुरू होती है तो उसमें दिखाया गया है कि जो ऑथर हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऑथर की, तो ऑथर जो है वो एक जंक शॉप में खड़े हैं। जंक शॉप जो होती है वहां पर पुराना सामान मिलता है, तो जंक शॉप में खड़े होते हैं और वहां वो एक रोल टॉप डेस्क के बारे में देख रहे होते हैं। रोल टॉप डेस्क उनको जनरली चाहिए होती है, तो वो जो देख रहे हैं वो जो उन्हें दिखती है वो उन्हें काफी अच्छी लगती है। अच्छी लगने का मतलब ये है क्योंकि वो अर्ली 19th सेंचुरी के आसपास की है, तो कई लोग होते हैं जो एंटिक चीजों को, पुरानी चीजों को थोड़ा पसंद करते हैं। पर उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, वो कंडीशन इस तरह की उसमें कुछ जले हुए कंसेप्ट है, कहीं से वो टूटी है, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है उस टेबल के साथ, पर स्टिल उनको वो डेस्क पसंद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो अर्ली 19th सेंचुरी की है, साथ ही साथ क्या है, चिपर बैड कंडीशन होने के बाद भी सस्ती है, और सस्ती होने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों ना ऐसा खरीद लेनी चाहिए, तो उसको खरीदने का रिस्क ले ही लेते हैं। खरीदने का रिस्क लेने का मतलब सस्ती होने की वजह से वो खरीदने का रिस्क ले लेते हैं, और उन्हें ये लगता है कि वो उसको ठीक कर लेंगे, और ठीक करने के साथ साथ उन्हें ऐसा लगता है
कि वो इसको रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर करने का काम भी वो कब शुरू करेंगे, क्रिसमस ईव के दिन वो क्या करेंगे, इसको रिस्टोर करने का काम शुरू कर देंगे। तो शायद ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी, और क्यों ना इसको, क्योंकि अगली 19th सेंचुरी होने की वजह से उनको लगता है कि ये चीज उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो वो उसको लेके रिस्टोर करने की बात सोच लेते हैं। और क्या करते हैं देखिए, Look like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached in and took out the small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read, Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it, and it was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914. So this is the letter which is the Jim sent to his wife. Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I just began in. You about at once. We were all standing too in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth, I am ashamed to say, it's that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another, and keep your hands down, I told the man. अब जो हमारे author हैं, वो जब उसको repair करना शुरू करते हैं on the time, Christmas Eve के time पे जब उसको repair करना शुरू करते हैं, तो repair करने के साथ साथ author जो है वो देखते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना इसके जो पुराने drawers उसको निकाल के मैं इसमें नए drawers जो है वो assemble कर लूँ, तो वो remove करके नए ड्रॉर्स को असेंबल करना चाह रहे थे। तभी जब वो उनके ड्रॉर्स को निकालने की कोशिश करते तो वो देखते हैं कि नीचे की तरफ एक सीक्रेट सा ड्रॉर है, एक सीक्रेट ड्रॉर और भी है। वो सीक्रेट ड्रॉर जो है उस टेबल के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर होगा, उस सीक्रेट ड्रॉर को एकदम से बाहर निकालते हैं। सीक्रेट ड्रॉर को जब बाहर निकालते हैं तो उनको उसके अंदर एक लेटर मिलता है। लेटर जो होता है वो काफी पुराना लेटर होता है, तो उनको लगता है कि कुछ इसमें खास होना चाहिए, तो वो लेटर को निकालते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो उसे पता चलता है कि लेटर जो है वो जिम मैकफर्सन का है, और जिम मैकफर्सन ने वो लेटर किसको लिखा है, कॉनी मैकफर्सन को लिखा हुआ है। तो जिम मैकफर्सन का वो लेटर कॉनी मैकफर्सन को लिखा गया लेटर, जब ये ऑथर जो है उसको कंप्लीट पूरा रीड कर लेता है तो उसको कई सारी बातें पता चलती है, और उसी बातों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। तो उस लेटर को रीड करने के साथ उसे पता चलता है कि उस समय का आर्मी सीन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स को पता चलती है। उनको पता चल जाता है कि आर्मी जो थी उस समय की बात की जा रही थी जहां पर जर्मन्स और ब्रिटिशर्स जो है आपस में लड़ रहे हैं, और जर्मन्स और ब्रिटिशर्स आपस में लड़ने के साथ साथ वहां का सीन पूरा उसमें डिस्क्राइब किया गया था उस लेटर के अंदर, बहुत अच्छे से वो दिखाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये एक आर्मी सीन होने के साथ साथ ही एक बहुत अच्छा टाइम जब उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था वो दिखाया गया, और उसमें भी क्रिसमस ईव की बात की गई है। क्रिसमस ईव की बात की गई है कि उस समय जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय क्रिसमस ईव के साथ क्या हुआ था, उस दिन क्रिसमस ईव पे क्या हुआ था वो बताया गया है। तो उसमें
जर्मन्स जो है उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्रिसमस मैरी क्रिसमस विश किया था, पहले जर्मन्स ने किया था, तो जर्मन्स ने इनको विश किया, तो ये सारी चीजें देख कर ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने भी उनको रिटर्न में इसकी सारी विशेष वापस रिटर्न की थी, और उन लोगों ने मतलब जर्मन जो है आर्मी और ब्रिटिश आर्मी दोनों ने मिलकर साथ में मिलकर उस चीज को सेलिब्रेट किया था। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सारी चीजों को शेयर किया, आइडिया शेयर किया कि हमें कैसे मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए वो, और उन्होंने सारी चीजें अच्छे से सेलिब्रेट की, सबने मिल के पार्टीज की, खाया पिया, ये वो सारी चीजें हुई। साथ ही साथ उन्होंने एक फुटबॉल मैच खेला, और फुटबॉल मैच खेलने के साथ साथ ही जर्मनी जो थी वो फुटबॉल मैच को जीत चुकी थी। तो ऐसा कुछ कंसेप्ट उस पूरे लेटर में दिखाया गया है, और उस लेटर में सारी चीजें जो है वो जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को बता रहे हैं, और ये किसको पता चला है, ये सारी चीजें ऑथर को अभी इस प्रेजेंट टाइम में ऑथर को पता चली है, और किसके बारे में, पुराने टाइम में जब जिम मैकफर्सन ने 1914 की बात कर रहे हैं, उस समय में जिम को जो महसूस हुआ था, जो उसने अपने लेटर में लिखा था, किसको, कोनी को, वो अभी ऑथर हमको पढ़ के सुना रहे हैं। तो चलिए ये देखते हैं आगे की तरफ। One of the Germans was waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. We have snaps. We have sauces. We meet you. Yes, by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys. What are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I supposed, but the truth is that it never even occurred to me I should along all along their line and ours. I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched, Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. Happy, happy Christmas. Captain Jim MacPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am school teacher from Dorset in the west of England. Ah, Dorset, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sauces, and we talked, Connie. How we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy, his favorite book far from the madding crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Ock and the Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. This was the football match. Connie, Fritz won 2-1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped we would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home.
जब फुटबॉल मैच जर्मनी जीत जाती है तो उसी बीच उन लोगों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। कन्वर्सेशन जो होती है उस कन्वर्सेशन में बताया गया है, साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जर्मन और ब्रिटिशर्स, जर्मन जितने भी थे ब्रिटिशर्स जितने भी थे, उन्होंने काफी इंजॉय किया है, म्यूजिक गेम्स ये सारी चीजें उन्होंने बहुत सारी चीजें की और साथ ही साथ वो अच्छे से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। वहीं साथ साथ उन्होंने डिस्कशन में अपने जो डिस्कशन था उसमें उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने ये सब चीजें इस तरह से भी बताई, उन्होंने अपने आइडियाज भी दिए कि किसी कंट्री को वॉर नहीं करना चाहिए। वॉर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। लाइक अब किसी चीज को आपको सॉल्व करना है आप इसके लिए वॉर करेंगे, वॉर इज नॉट द राइट सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वॉर की जरूरत ही नहीं है। वॉर में क्या होता है, ह्यूज लॉसेस होते हैं। ह्यूज लॉसेस का मतलब बहुत सारी डेथ हो जाती है, मनी का लॉस होता है, सारी चीजों का लॉस होता है, साथ ही साथ जो औरतें होती है वो विधवा हो जाती है, जो बच्चे होते हैं वो अनाथ हो जाते हैं, ऑर्फनेज की तरफ चले जाते हैं, ये सारी चीजें बहुत बड़े ह्यूज लॉसेस की तरफ जाती है। तो शायद हम लोगों को ये सारी चीजें करनी ही नहीं चाहिए। इसका एक बेटर सोल्यूशन क्या है, बेटर सोल्यूशन में वो लोग अपनी अपनी तरफ से सोल्यूशन भी देते हैं। तो बताता है कि बेटर सोल्यूशन तो ये है कि क्यों ना एक फुटबॉल का मैच हो जाए। अगर दो कंट्री के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए एक फुटबॉल का मैच कर लो। जो मैच जीतेगा वो चीज अपनी वाली विन को महसूस कर लेगा। तो शायद हम लोगों को वॉर करने की बजाय फुटबॉल मैच कर लेना चाहिए और उससे डिसाइड कर लेना चाहिए कि कौन सी कंट्री जीतेगी कौन सी कंट्री हारेगी। इवन वॉर से होने वाली जितने भी प्रॉब्लम्स हैं जितने भी नुकसान है वो तो बच जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे डिसाइड हो जाती है। ये सारी डिसीजन जब चल रहे होते हैं तभी इन बीच में इसी बीच में जब इनकी कन्वर्सेशन चल रही होती है तभी जिम बताते हैं कि वो पहले एक टीचर थे। मतलब वहीं सब लोग आपस में एक मंडली बना के बैठ जाते हैं, सारे लोग बातें कर रहे होते हैं, तो उसी में जिम जो होते हैं वो ये बताते हैं कि वो युद्ध में आने से पहले एक टीचर थे और स्कूल टीचर होने के साथ साथ वो काफी हैप्पी थे और अपनी वाइफ के साथ काफी मजे से रहते थे। वहीं साथ में ये सब चीजें होने के साथ ही सामने जर्मन साइड से जो पर्सन है वो बताते हैं, हैंस वुल्फ जिनका नाम है, वो ये बताते हैं कि आर्मी ज्वाइन करने से पहले, मतलब मैं जब तक आर्मी में नहीं आया था उससे पहले मैं एक म्यूजिशियन था, ऑर्केस्ट्रा का एक मेंबर था, हम लोग हमारा एक ऑर्केस्ट्रा था, हम लोग ऑर्केस्ट्रा में म्यूजिक प्लेयर किया करते थे और मैं ऑर्केस्ट्रा के साथ एक जुड़ा हुआ था। ये सारी चीजें होती हैं और वो आपस में अपने आइडियाज ही शेयर कर रहे हैं, वही आइडियाज जो मैंने आपको बताया कि वो वॉर को लेके बताते हैं कि फुटबॉल मैच इज मोर बेटर देन दिस, और आपस में अपने जो छोटे छोटे जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उनको शेयर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं, इवन डिसाइड नहीं बोल सकते, डिस्कस करते हैं कि वो किन किन चीजों को नहीं होना चाहिए, किन किन चीजों को होना चाहिए, और आपस में उन लोगों की जो आपस में जो फ्रेंडशिप है, जो फ्रेंडली नेचर है, उससे उनकी दोनों की या उन सब लोगों की आपस में फ्रेंडशिप क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये थी अब तक की स्टोरी, ये हमारा पार्ट वन रहेगा और पार्ट वन में आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जितने भी हैं वो सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको अच्छे से अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेने हैं और उनके मीनिंग्स भी आपको लिखने हैं, साथ ही साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको उसके आंसर्स भी लिखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके जरूर बता दें तो मैं आपको वापस समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो इसी वीडियो को वापस से आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लें तो शायद आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो तब तक के लिए फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट पे अच्छे से वर्क कर लीजिएगा और सेकेंड पार्ट के साथ हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे। कीप वॉचिंग, बाय।